सो सतगुरु महाराज की दया दे नाल आपां साडे नेड़े करतारपुर साहब का नगर है उहदा इतिहास विचार रहे सां कि जो उत्थे पावन अस्थान बने हुए ने कुछ विचारां आपां पिछले दिनां विच कीतियां प्यारियो जिवें चौबच्चा साहब छेवें पातशाही का स्थान बनिया फिर महाराज की दया दे नाल कल आपां चौपड़ जिहड़ा स्थान है चौपड़ साहब जिथे महाराज ने चौपड़ खेडी है वह स्थान दे आपां कल विचार की फिर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की दया दे नाल गंगसर थम साहब मंजी साहब इन्हां पावन स्थानां दी आपां पिछे विचारां कीतियां ते अगे भाई रणजीत सिंह जी लिखते ने गुरु साहब जी का इतिहास लिखदिया हो प्यार कि इत्थे ही इसे नगर दे विच करतारपुर साहब नूं जिन्हों गुरु साहब ने वसाया ते महाराज की दया हुई यही नगर है जिहड़ा प्यारो गुरु तेग बहादुर महाराज जी का माता गुजरी जी का जिथे विआह होया ये नगर जिहड़ा धन माता गुजरी जी का पेका घर है इत्थे ते छेवें पातशाह जी ने कहिंदे ने महाराज सच्चे पातशाह जी का अनन सिख सी श्रद्धालु सिख सी माता गुजरी जी का जो पिता सी भाई लाल चंद सुपिखी गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने आप खुद इन्हां दे कोलों इन्हां दी बच्ची माता गुजरी जिन्हां नूं आपां कहिंदे आ उन्हां दा रिश्ता मंगिया सी अपने सब तो छोटे साहबजादे गुरु तेग बहादुर महाराज दे वास्ते ते गुरु साहब सच्चे पातशाह ने जदों ये रिश्ता मंगिया ते लाल चंद सुपिखी प्यारे बड़ी श्रद्धा भावना विच आ गए ते खिड़े मत्थे गुरु साहब जी दे इन्हां बोलां नूं सवकार लिया सवकारिया कि महाराज मैं बड़ा सुभागा वां जेकर मेरी धी दा रिश्ता आप जी दे घर आप जी दे साहबजादे वल हो जावे इसे धरती ते गुरु प्यारो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज माता गुजरी जी का श्री आनंद कारज होया विआह होया इस धरती ते भाग लगे ने ते अज जो तुसी जाओ ते बड़ा सोहना गुरुद्वारा साहब बनिया होया सतगुरु की दया दे नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा उत्थे प्रकाश है ते जदों भी वह दिन आउंदा गुरु तेग बहादुर महाराज का विआह पुरब वाला उदों प्यारे बकाले साहब तो बरात चढ़ के आउंदी है ते इस अस्थान ते आण के नतमस्तक हुंदी बरात दे रूप दे विच भाव उस दिन नूं अज भी संगतां उदां बड़ी भावना श्रद्धा दे नाल मनांदियां ते सतगुरु महाराज कृपा करन प्यारे जिस जिस जगह गुरु साहब जी दे चरण पै गए ने वो धरती शोभा वाली प्यारो सुहावी हो गई इस धरती नूं बड़े भाग लाए ने वेखो आपां किन्ने दिनां दे विचार रहे हां कि किन्ने अस्थान बने ने माता कौलां जी दा समाधि अस्थान इत्थे बनिया होया खूह लवाया गुरु साहब ने ते खूह लवाउण तों इत्थों बस नहीं होई जदों सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज आए ना इत्थे महाराज ने जदों गुरु अर्जन देव महाराज दा लगवाया होया खूह वेख्या ते गुरु साहब अपने सिखां तों पुछदे ने भाई इस खूह दा इतिहास सुनाओ ते सिख हाथ जोड़ लेंदे कहिंदे महाराज तुहाडे तों कोई छुपिया इह खूह लवाउण वाले तुसीं हो पंजवें रूप दे विच महाराज तुसीं ते सब कुछ जाणदे पातशाह कहिंदे नहीं साडा मन करदा असीं सुनना है जिवें अज लोक आदन दे इतिहास सुनाई जांदे ने इतिहास सुनाए जांदे पर साडे गुरु साहब ही सुणदे सी पहले गुरु साहिबानां दा इतिहास धन गुरु नानक साहब महाराज दा इतिहास सुनिया गुरु अंगद देव महाराज ने भाई बाले दे कोलों भाई बाले वाली साखी भी लिखी गई है प्यारे गुरु साहब इतिहास सुनते सन पहले गुरु साहिबां दा ते गुरु हर राय साहब महाराज ने उत्थे खूह दा इतिहास सुनिया सिखां ने दस्सिया कि किवें महाराज ने वेखिया इस नगर नूं जदों वसाउणा सी लोकां नूं लियांदा इत्थे फिर लोकां दे लोड़ां वास्ते वपारी लियांदे ते लोकां नूं बाहर दूर ना जाणा पवे सौदा समान ले जाण वास्ते इत्थे ही महाराज ने सब नूं वसाया लिया के फिर जदों वेख्या लोकां नूं पाणी लियाउण बड़ी दूर जाणा पैंदा ते महाराज ने इत्थे खूह लवा दिता ते गुरु साहब ने पहला पांच वारी टक आप खुद लाया कई दे नाल सिख तो कई लैके प्रसाद भी गुरु अर्जन देव महाराज ने मंगवाया मिठा वरताया गया जो टक लग गया ते सतगुरु महाराज की कृपा दे नाल प्यार फिर दस्या कि किवें किवें सिख दसदे आ महाराज इदां इदां जदों खूह पटिया गुरु अर्जन देव महाराज ने आप खुद भी सेवा की
देखो सिर्फ क्या नहीं आ काम करो, महाराज ने आप खुद भी किया। ये सब तो वड्डे उदाहरण है प्यारे। कई बार कुछ कोई बंदे होंगे कह देंगे इदा करिए, पर आप करते ने दूजे नूं कहिंदे, पर प्यारे सतगुरु आप भी करते सन। जिवें जिन्नी को लोड़ सी जिथों तक पानी आना सी वह खूह पटिया गया, नाल उहदी चनाई कीती गई प्यारे पक्की। फिर महाराज कृपा होए तो उहदे आले दुआले सोहना उहनूं प्यारे बना के ना चक जिहड़ा घूमण वास्ते ला दिता गया। फिर महाराज दी कृपा होए उत्थे उहनूं ढकण लई बड़ा सोहना बनाया। ਇਹ ਖੂਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਏ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਓਟ ਦਿੰਦਾ, ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।